खबर, खास खबर में बात करेंगे। लॉकडाउन संडे को 40 दिन पूरे कर रहा है और अभी तो ये नहीं कह सकते हैं दावे के साथ में कि लॉकडाउन 3 तारीख को कंप्लीट कर जाएगा, उसके बाद में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री साफ संकेत दे चुके हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री यह साफ संकेत कि लॉकडाउन कुछ कंडीशंस के साथ में, रियायतों के साथ में आगे बढ़ाया जा सके, लिहाजा तय मानना चाहिए कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच सरकारें अपनी तरफ जो कोशिश कर सकती हैं कर रही हैं, उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों के सामने संकट है, वह संकट है रोजगार। अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो होगा क्या, खासकर उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो करते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या आने वाली है। 20 अप्रैल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक निर्देश जारी करके और चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट के हैं उनको सबको कह दिया कि जो नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर है उनसे आप कहिए कि सैलरी नहीं काटे और साथ में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये प्रैक्टिकली संभव है क्या, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। केंद्र राज्य के पाले में और राज्य केंद्र के पाले में अभी तक बॉल फेंक रही है, लेकिन हुआ क्या, लगभग 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर पर नौकरी के जरिए डिपेंड, तो उनका भविष्य संकट में है और बड़ी आबादी कह सकते हैं इसको, इसके बारे में अभी तक ना राज्य सरकारें चिंतित हैं, चिंतित हो सकती हैं, लेकिन पत्ते कोई नहीं खोल रहा कि उनका होगा क्या। तो चलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे जुड़े हुए हैं, सुरेश गर्ग साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत शर्मा हमारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हेमंत हमारे साथ वह वॉइस बन रहे हैं जो वास्तव में एक रियलिस्टिक सामने जो दिखाई देती है, बहुत सारे लोगों की जो चिंता है उसको लेकर के ये एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत। तो पहले हेमंत आप ही के पास आना चाहूंगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और बाहर भी जॉब कर रहे होंगे, केवल हिंदुस्तान की स्थिति नहीं है, जो अब्रॉड में लोग काम कर रहे हैं वहां भी बड़ी स्थितियां खराब हैं, तो कुछ फ्रेंड से बात होती है, किस तरह की चिंता है उनकी? थैंक यू सर। सबसे पहले सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा, परेशानियां सिर्फ भारत में काम करने वाले लोगों को नहीं, मेरे कई दोस्त बाहर हैं, एक मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में फंसा हुआ है, कुछ मेरे दोस्त लंदन में काम करते हैं, कुछ यूएस में काम करते हैं, सभी के बीच में अभी परेशानी एक ही है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक वो जहां पर हैं वहां पर सुरक्षित हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, पर लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कोई नहीं जानता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या उनकी जॉब्स सिक्योर रह पाएंगी, क्या जो कंपनियां जो अभी इस माहौल में वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बिल्कुल मजबूर हो चुकी हैं, क्या वो इस काम को आगे बढ़ा पाएंगी। लोग रोज पढ़ते हैं यूएस के अंदर, यूएस की जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होने के कगार पे हैं, कितने सारे लोगों के जो वीजा है, ग्रीन कार्ड है, उनकी एप्लीकेशन अटक गई है। उनका जो लोग अपना फ्यूचर ये सोच के बैठे थे कि वो अपना सेटल अब्रॉड में ही होना चाहते हैं, यूएस में होना चाहते हैं, उनके ऊपर अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लंदन के अंदर मैं खुद इस लॉकडाउन के दौरान लंदन में फंस गया था, 18 तारीख को ही मैं लंदन से यहाँ वापस आ पाया, तो मेरा भी जो प्रोजेक्ट है वो लंदन का है, अभी मुझे वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, तो मुझे भी नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कितना देर तक चल पाएगा, कितना देर तक नहीं चल पाएगा। तो ये सारी परेशानियां, हाँ, हर कोई जो मिडिल क्लास है, खासकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो आदमी है, उसके ऊपर ये परेशानियां हैं उसके दिमाग में। जी हेमंत बिल्कुल सही कह रहे हैं, केवल बात एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नहीं है, वह तमाम जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में उनके सामने, जी कोई एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि अपने एम्प्लॉय जो वर्षों से उनके साथ में जुड़े हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनकी तनख्वाही नहीं दी जाए। लेकिन ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में आप देख लीजिए, जो यूनिट सिक हो जाती है यानी कि कमजोर हो जाती है, घाटे का सौदा हो जाती है, वह बंद कर दी जाती है या फिर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाती है। जब सरकारों की हिम्मत नहीं हो पाती कि लंबे समय तक जो घाटे को वहन करे, तो प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं करता। कोई भी बिजनेसमैन वो पैसे कमाने के लिए आता है, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए, वो चैरिटी चलाने नहीं आते हैं। तो जी, चलिए मेरा वरुण जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सुरेश जी, केंद्र हाँ सर, राज्य के पाले में बोल डाल रहा है, राज्य केंद्र के पाले में बोल डाल रहा है, और हम में से जो भी बैठे हैं मैक्सिमम लोग, हम, हमारे परिचित, हमारे कोई नजदीकी रिश्तेदार प्राइवेट सेक्टर में जॉब जरूर करते होंगे, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, परेशानी सबके सामने है। तो खैर चलिए वो व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन बात पार्टियों की और सरकारों की है यहाँ पे। तो
तो गर्ग साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 20 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को श्रम एवं कानून मंत्रालय ने, लेकिन उसके बाद ये तय मान सकते हैं कि कोई किसी की तनख्वाह नहीं काटेगा, कोई अगर लंबे समय तक लॉकडाउन का सामना करना पड़ा तो कोई उनके जॉब्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आधार क्या है सरकार का? देखिए ये एक वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो एक सराहनीय कदम है और उन्होंने हर स्टेट को ये बोला है कि भाई आप किसी की सैलरी नहीं काटे, अगर काम पे नहीं आ रहा है तो उसकी सैलरी नहीं काटे। और आने वाले टाइम के अंदर आप ये देखेंगे कि हमने कई इस तरह के सेफ्टी मेजर्स उठाए। आज देखिए कि हमने बैंकों को लिक्विडिटी के लिए बैंकों के अंदर काफी सारे मेजर्स उठाए हैं। आज बैंक के अंदर 5,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी आई है, इसके अंदर बैंक की रेट MCLR कम की है, रेपो रेट कम की है, एक LTRO जो होता है 50,000 करोड़ रुपए का LTRO लाया है। इस तरह से बैंकों के अंदर हमने 5,00,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी लाए। इसी तरीके से हमने बैंकों को ये भी बताया है, बैंक ये भी कर रहे हैं कि किसी इंडस्ट्री में अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है तो वो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करा सकता है, अपने अकाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग करा सकता है। और जो बैंकों के पास में जिनकी वर्किंग कैपिटल अगर जिन बैंकों से लोन ले रखा है उनको हमने 10% लिक्विडिटी एडिशनल देने का प्रावधान किया है कि किसी की वर्किंग कैपिटल अगर चल रही है तो उसको 10% वो इमीडिएटली इसकी फैसिलिटी दे सकता है और उसमें भी 6 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर टर्म लोन है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, उन लोगों को हम लोग एक पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रही जा रही है बैंक, जिससे कि उसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो ये कह रहे हैं ना कि भाई कि कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटे, ये देखो एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है और मैं समझता हूँ कि भारत ने इसके ऊपर बहुत कंट्रोल किया है और आने वाले टाइम के अंदर भारत इसमें, आप ये देखिए चाइना के अंदर, चाइना से कम नहीं तो 2,000 फैक्ट्रियां शिफ्ट होने वाली है, तो भारत उस ओर देख रहा है कि भारत उस 2,000 फैक्ट्रियों के अंदर से मैक्सिमम फैक्ट्री इंडिया में शिफ्ट करने की चांसेस है। इसके अंदर गुजरात, मैं ये नहीं कह रहा भविष्य बहुत उज्जवल है हिंदुस्तान का, मैं इस पर सवाल नहीं खड़ा करता, मैं यही कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट, आपने एक बात बताई कि बैंक्स को लिक्विडिटी उपलब्ध करा दी, बहुत अच्छी बात है, उनको रकम आप दे रहे हैं, लेकिन लोन को चुकाने के लिए आप एक और कर्ज ले रहे हैं पर्सनल लोन का, और भी महंगा। देखो ऐसा है, कम रेट पे, योगेंद्र जी कम रेट पे दिया जा रहा है, पर बैंक में कई मित्र ऐसे हैं जिनका साफ कहना है कि पैरर हम पे ये भी प्रेशर है कि आप लोगों से पैसे लेकर के आइए। नहीं, इस टाइम पे देखो 1 मार्च के बाद में कोई भी किस्त अगर ड्यू है तो उसके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर है तो वो कंप्लेंट कराएं, लोकपाल के ऊपर कंप्लेंट कराएं, कंप्लेंट दर्ज कराएं, कोई भी बैंक उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती है। जिसका भी 1 मार्च के बाद में 30 जून के बीच के अंदर कोई भी अगर उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है या इंटरेस्ट ड्यू होता है तो उसको पे नहीं करना पड़ेगा। ये RBI का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि वो बिल्कुल भी उसके अंदर अगर बैंक अगर कुछ करती है तो उसकी कंप्लेंट की जाए, उसके ऊपर RBI एक्शन लेगी। MSME सेक्टर में करीब 12 करोड़ लोग जॉब करते हैं, जो टैक्स पेयर की श्रेणी में भी आते हैं, उनके सामने बड़ा संकट है, सरकार अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही है। आप ये जो बात कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो एक तरह से सक्षम हो सकते हैं, मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ, वह आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हेमंत जैसे बहुत सारे करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट तब पैदा हो सकता है अगर वो जॉब नहीं करते हैं तो, क्योंकि एक कर्मचारी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है उसके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारी, अपना खुद का पेट पालना उसकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी, पेरेंट बुजुर्ग पेरेंट्स होंगे, पति पत्नी होंगे, उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, ये सब जो चीजें हैं ये एक बड़ी समस्या है। चलिए मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही कि मिडिल क्लास को लेकर के सरकार क्या सोचती है। केंद्र सरकार ने जैसे कह दिया कि 20 अप्रैल को हमने तो लेटर लिख दिया राज्य सरकारों को, राज्य सरकार केंद्र से कह रही है कि आप कोई ऐसा पैकेज दीजिए, तो होगा क्या? भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपने टेक्नोलॉजी से IT से बात शुरू की थी, आज अपने इंफोसिस के जो है नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि लॉकडाउन चलता रहेगा, लॉकडाउन से बहुत ज्यादा समस्या नहीं कि 1,000 आदमी मैंने
कोरोना के साथ रह के इनको काम करना होगा, जो कोरोना वॉरियर्स आप लोग मीडिया वाले हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस है, वो भी तो काम कर रही है, जो स्वस्थ लोग हैं काम करें, जो बीमार हैं उनकी सेवा करें। नारायण मूर्ति जी हमारे यहाँ पर आपके सामने एक आइकॉन है टेक्नोलॉजी के, उन्होंने खुद ने ये कहा है। रही बात अभी गर्ग साहब बात कर रहे थे, इन्होंने कोई भी जो रोजगार के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो रोजगार छिन गए लॉकडाउन 1 से 11 करोड़ जो नौकरियां चली गई उस पर कोई फोकस नहीं डाल रहे, खाली हमने पत्र लिख दिया। अरे वरुण जी, वरुण जी पूरा ध्यान है इस पर, बीच में मत बोला, वरुण जी पूरा ध्यान है इस पे, मत बोला बीच में आप, मैंने नहीं बोला, बोलने दीजिए बोलने दीजिए बोलने, वरुण जी आप गलत बोल रहे हैं, आपका उत्तर दूंगा, हाउडी मोदी राज में कर लेना आप, मेरे को बोल ले दो। आईएलओ जो है किसी संस्थान के या कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, उसने 1 महीने 1.5 महीने पहले कह दिया 40 करोड़ लोग जो है 30 जून तक भारत के बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। आप देखो रिटेल सेक्टर में 4.6 करोड़ आदमी नौकरी करता है, 1.1 करोड़ 1.2 करोड़ वो सड़क पे आने वाला है, रेस्टोरेंट जो 70 लाख के आज करीब जो है उसमें रोजगार करते हैं वो सड़क पे आने वाले हैं, आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 4 करोड़ से ऊपर जो लोग काटते हैं उसमें 1 करोड़ आदमी बेरोजगारी के संकट में आने वाला है, उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। रही बात जापान से इंडस्ट्री ले आएंगे, चाइना से जा रही है, ये हाइपोथेटिकल जो चीजें हैं ये बाद में आएंगी, अभी तो रोटी रोजगार का संकट हो रहा है। पहले ही आप नोटबंदी जीएसटी से रोजगार को मार चुके हो, 69 मिलियन एमएसएमई जो है उसमें से चौथाई जो एमएसएमई बंद होने के शटडाउन के कगार पर है, उसका क्या होगा? हमने बैंक में लोन दे दिया, आप पर्सनल लोन ले लो, मकड़ जाल में लग जाओ और आत्महत्याएं करो, ये कोई बात थोड़ी हो रही है। आप जो है जीडीपी जो है आपकी, आज रघुराम राजन जी ने भी कहा है 200 लाख करोड़ की जीडीपी भारत की है, भारत ने 0.8 करोड़ जीडीपी का ही अभी तक पैकेज दिया है, दूसरे देश 10% 15% 20% दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं 5% 6% जीडीपी का दे रहे हो? आपने पीएफ प्रोविडेंट फंड आप काटते हो लोगों का, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, उस पैसे को काम में ले लो जिससे रोजगार बचे। आज जो गाइडलाइन आ रही है उसमें आ रहा है 50% रोजगार जो है कर्मचारियों से आप दफ्तर चालू करोगे, आप 50% तो सीधे सीधे घर पे पहुंचाना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ आईटी इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है उसको मैं मानता हूँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो अभी इनके रविशंकर प्रसाद जी ने कलिंगा टीवी पे 2-3 दिन पहले आया है, कहा है कि जुलाई तक जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे आईटी इंडस्ट्री वाले 50%, उनका आईटी इंडस्ट्री का तो चलो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से चल जाता है, बाकी रोजगार तो दफ्तरों से ही चलता है, वो क्या करेंगे उसके बारे में कोई फोकस नहीं है। आप सबसे बड़ा जो बेरोजगारी की चपेट में आ गए 11 करोड़ लोग, लॉकडाउन 1 से आ चुके हैं, लॉकडाउन 2 से कहां आएंगे, आप लॉकडाउन 3 चालू करने जा रहे हो, आप क्यों नहीं नारायण मूर्ति जी और इनके सुझावों को मानना चाह रहे हो? आप लॉकडाउन खोलिए, राजस्थान में खुल चुकी 343 में से 300 से ज्यादा इंडस्ट्री खुल चुकी, 1 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार वापस उन्होंने फैक्ट्रियों में स्टार्ट कर दिया। आप जो है मोदी जी के गुणगान मत करो, देश की समस्या की बात करो, आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा विकराल रूप लेने वाला है, उससे क्राइम स्टार्ट हो चुका है, क्राइम और बढ़ जाएगा। मनरेगा में पिछले साल इसी अवधि में आप देखो 273 मिलियन लोगों को रोजगार था, 30 मिलियन के पास ही नहीं है, मनरेगा जैसी बड़ी अनऑर्गेनाइज। अरे वरुण जी आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बताइए, उन्होंने तो 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, आप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हो, लॉकडाउन की आपकी भैया आप लॉकडाउन आपके पंजाब का क्या करते हैं, आप लॉकडाउन की कोई प्लानिंग ही नहीं है आपकी। सर लॉकडाउन की स्थिति ये है कि लॉकडाउन किसी भी सरकार कोई किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहती, सरकार अगर आप लोग आपस में उंगलियां उठाएंगे तो जनता मानसिक रूप से तैयार है कि 3 तारीख के बाद भी हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है, वह बिल्कुल अपना सब्र नहीं टूटने दे रहा, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट ये तो सिक्योर कर दीजिए, हमारी कंपनियों को ये तो कोई ऐसा पैकेज दीजिए ताकि हमारा एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी दोनों सुरक्षित रहें, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, पानी के बिल, कहना बहुत सहज है। हाईकोर्ट दिल्ली ने एक बात कही अभी पुल्स को लेकर के कि जज से लगातार कह रहे थे कि भाई उनके जो कर्मचारी है उनके पैसे नहीं कटेंगे, प्रैक्टिकली आप देखिए सर अगर वो पैसे नहीं लेंगे पेरेंट्स से तो वो पैसे देंगे कहाँ से, वही सबसे बड़ी बात आती है, मार्केट जब ओपन नहीं होगा आदमी कहाँ से क्या करेगा। अमेरिका के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आई, लोगों को मालूम है कितने करोड़ों लोग वहां बेरोजगार होने वाले, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को उन्होंने निर्देश दिए कि इनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार की तरफ से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए, शुरू हो गया उनके यहाँ पे। हमारे पॉलिसी पैरेलल पॉलिसी, तो सरकार कोई भी हो चाहे राज्य केंद्र के पाले में बोल डाल रही है, केंद्र राज्य के पाले में बोल डाल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं एक बार वापस हेमंत के पास में जाना चाहूंगा, हेमंत आपके पास वापस आना चाह रहा हूं, तो चर्चा होती है मित्रों से जो
इस तरह की पोजीशन में सरकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर योजनाएं तो रोज सुनने को मिलती हैं सेंटर की तरफ से भी और हमारे स्टेट की तरफ से भी, पर जो कंफ्यूजन बीच में बना रहता है, ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं सेंटर की तरफ से, अगर ऑर्डर निकालना एक अलग बात होती है, उनका एक अच्छे से एग्जीक्यूशन करना एक दूसरी बात होती है। जैसे हम अभी हमें सुनने को मिला कि इनकम टैक्स को बढ़ाया जाने की सिफारिश की गई थी जिसे रोक दिया गया, ये एक अच्छी खबर थी। जो हमारे भटके हुए जो स्टैंडर्ड मजदूर है उनको भी घर पहुंचाया गया, ये अच्छी बात है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो सबसे निम्न वर्ग है जो अटके पड़े उनके लिए भी सोचा जा रहा है, जो बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है, उद्योगों को चलाने की बात है, उनके बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जहां तक कि जैसे मैंने एक खबर सुनी थी कि अभी हमें मकान मालिकों को बोला गया है कि किराएदार से किराया मत, तो पर उन मकान मालिकों को क्या जो सिर्फ किराए के ऊपर ही अपनी जीविका चलाते हैं। हमारा ये सही बात है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करना कितना प्रैक्टिकल है और कितना नहीं, ये जो काम कर रहा है वही बेहतर जान सकता है। क्योंकि जो काम करने का माहौल होता है ऑफिस के अंदर, हम एक अलग माहौल होता है काम करने का, उस पर कर पा रहे हैं। और हमारा वर्क फ्रॉम होम या काम करना सिर्फ इसी बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम कर पा रहे हैं, जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं उसके पास काम आना भी जरूरी है। अभी की हालत को देखते हुए कोई भी उद्योग अगर काम नहीं करेगा तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, हम किसी चीज का उत्पादन नहीं करते, हम जो चीजें लोग उत्पादन कर रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमें कहीं हमारी कंपनी को कहीं से काम मिलेगा ही नहीं तो हमें भी काम करने को नहीं मिलेगा। और तो ये बहुत मेन हमारे पास प्रॉब्लम है। अभी हम भी सब समझते हैं कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है, ये लॉकडाउन का बढ़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं वो हम सबको नजर आ रहा है। पर अगर मैं सिर्फ आईटी की बात करूं तो एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारे साथ ये है कि अधिकतर आईटी का जो काम है वो राजस्थान के बाहर है। आप गुड़गांव में देखेंगे या पुणे में देखेंगे, साउथ साइड देखेंगे, राजस्थान में आईटी का इतना बड़ा स्कोप है ही नहीं। हम सुनते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से कि आईटी का स्कोप बढ़ने वाला है, हमने सेल्स बनाया वहां पे, कोई कंपनी अभी आना नहीं चाहती है, पता नहीं हम ला नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं, अगर राजस्थान में आप लॉकडाउन खुल भी जाता है, अगर हरियाणा में लॉकडाउन नहीं खुला तो हम इंटर स्टेट ट्रेवल कैसे करेंगे, ऑफिस तक कैसे पहुंच पाएंगे? कंपनियां हमें सही बात है कि हमें निकालना नहीं चाहती, लेकिन अगर उनके पास भी देने के लिए फंड नहीं होगा तो वो किस तरह से, जो इतनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं प्राइवेट नौकरी में, जरूरी नहीं कि सिर्फ आईटी में काम हो, बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं, उनके लोगों पर भी एक एक यू नो विपरीत परिस्थितियों को उनको सामना करना पड़ रहा है। तो वो हमारे इसमें संशय है, क्योंकि जो सबसे बड़ा संशय आता है कि ऑर्डर पास करना एक अलग बात है, पर उसका जो एग्जीक्यूशन होता है उस एग्जीक्यूशन में हमें कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा कंफ्यूजन या हमेशा लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। कहीं पे हमें ये नहीं देखने को मिलता कि हमें सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं होती, हमारे ऊपर जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि एक दूसरे के बारे में गेंद डालने की बात होती है, तो वो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को लगती है। जी देखिए, आज भी 40 करोड़ लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, एमएसएमई अकेला 12 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयर है। लेकिन जैसे अभी बहुत अच्छी बात कही है सुरेश जी हेमंत ने, काम हमें कंपनी देती है लेकिन कंपनी को भी तो काम मिलना चाहिए। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अब महामारी की स्थितियां ये स्थिति ऐसी बन गई है जिसमें हम चाहें कि जो स्थितियां पहले थी वैसे की वैसे आज ही हो जाए वो संभव नहीं है। हमें ये तो मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लॉकडाउन पीरियड है, चाहे आप दो सब्जी से खाना खाते होंगे, आज सब्जी नहीं मिल पा रही है किसी को, तो काम चला ही रहे हैं। लेकिन लोगों को देख रहे हैं, हमें बात वह करनी चाहिए कि जो धरातल पे हमें मिल सके, धरातल पे हम उसे लागू कर सके। बड़ा सवाल ये है, मतलब ये कह देना कि हमने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया या नीचे से कहें कि गवर्नमेंट 1,00,000 करोड़ का पैकेज दे, इसमें से हम कुछ करेंगे, ये सब चीजें नहीं हो। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की होती है, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ में होती है, तो ये हो सकता है निश्चित रूप से बात होती होगी इन तमाम विषयों पर, लेकिन अभी कुछ ऐसी झलक नहीं दिखाई दे रही है कि मिडिल क्लास या एमएसएमई सेक्टर या जो लोग जॉब करते हैं उनके बारे में ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी जैसे हेमंत ने बहुत अच्छी बात कही है कि केवल कर्मचारी अपनी बात नहीं कर रहा, कर्मचारी उस कंपनी के लिए भी चाहता है कि उसे भी आप सिक्योर करिए ताकि वो हमारे को रोजगार दे सके। जी देखिए हेलो योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये वैश्विक महामारी है, इसके अंदर बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है। तो लॉकडाउन मोदी जी ने आपको देखो पहले कहा था कि जान है तो जहां है, अब उन्होंने बोला है कि जान है जान है। तो आप ये देखिए कि अगर जैसे ये बोल रहे कि साहब लॉकडाउन खोल देना चाहिए, लॉकडाउन परिस्थितियों के हिसाब से खुलेगा। अभी आपके पंजाब की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट ने 2 वीक का लॉकडाउन कैसे बढ़ा दिया क्योंकि वहां की स्थिति खराब है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर लॉकडाउन है तो हर स्टेट को उनकी स्थिति के हिसाब से जहां जहां रेड जोन है वहां पे लॉकडाउन नहीं खुलेगा, और जहां ग्रीन एरिया है, ग्रीन जोन जो है वहां पे लॉकडाउन खुलेगा। और देखो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है, और एमएसएमई उद्योग को मोदी जी की रेगुलर 24 घंटे बैठक होती है, बातचीत होती है, सजेशन लिए जाते हैं, रामामूर्ति जी के, राजरजन के, सबके सजेशन जो है वो वहां पे आते हैं। हमने राजस्थान के अंदर जयपुर के जितने भी उद्योगपति और जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनकी हमने सेंट्रल के मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई थी और उनसे सजेशन लिए थे। मैं यही रिजल्ट की बात है, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो देखो आने वाला। आप ये बताओ कि रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट लॉकडाउन खुलने के बाद जब इंडस्ट्रिया चालू होगी तभी तो पता लगेगा ना। आज की स्थिति ये है कि भाई आपको पहले व्यक्ति को बचाना है, जान बचानी है, इसके बाद में आप लोगों को बिजनेस पे जाना है। अगर आपकी जान है तो जहान है, तो इसलिए आप 3 मई के बाद में देखिए जहां जहां ग्रीन जोन है वहां पे आपका लॉकडाउन खुलेगा और इंडस्ट्री को चालू हो जाएगा। आप राजस्थान गवर्नमेंट की बात है, राजस्थान गवर्नमेंट कब आप बिजली के बिल माफ कर दिए क्या? पानी के बिल माफ कर दिए क्या? आप अपने स्टेट को तो देखिए ना, आपने क्या चीज सेंट्रल गवर्नमेंट हर व्यक्ति को एड, आप ये देखिए कि उज्ज्वला योजना के अंदर हमने 3 महीने के सिलेंडर फ्री दिए हैं, आपने जो कृषि किसानों के हमने खाते के अंदर पैसे ट्रांसफर किए हैं, इसी तरीके से आपके जनधन योजना के अंदर जितने भी उनको 500 रुपए महिलाओं को ट्रांसफर किए हैं, तो हर व्यक्ति को सहायता दी जा रही है। इसी तरीके से एमएसएमई उद्योग के लिए आरबीआई ने रेट ऑफ सुरेश जी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, गिनाने के लिए बीपीएल खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। हम सब लोगों की भी सिंपैथी है, मैं भी शायद 2 परिवारों को खाने का इंतजाम करता हूँ, लेकिन बात यह नहीं है, सवाल मेरा ये है ही नहीं। हम बिल्कुल, अच्छी बात है कि उनके बारे में हमारे से पहले सोचिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री से बात करिए, किसी मंत्री से बात करिए या किसी पार्टी के प्रवक्ता से बात करिए, शुरुआत अपने बचाव की बीपीएल खाद्य सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, इनसे करते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, वो एक जिम्मेदारी हमारी, उनकी बारे में उनकी सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो उन लोगों की चिंता कर रहा हूँ जिनके बारे में आप लोग अभी विचार नहीं कर रहे हो। और वह 40 करोड़ वह परिवार जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स पे, फैक्ट्रियों पे, इन पे डिपेंड करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी उन्हीं पर है, उनके बारे में अभी तक सरकारों का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। मैं उनकी चिंता की बात कर रहा हूँ। योगेंद्र जी, सबसे पहले निर्मला सीतारमन जी ने इंडस्ट्रीज के लिए आरबीआई के थ्रू रिलैक्सेशन दिए थे। आप देखिए कि आपने बिजनेसमैन को, हमने 3 महीने की इंस्टॉलमेंट को डेफर कर दिया, 1 मार्च के बाद में जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको 30 जून तक के लिए डेफर कर दिया। अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो ये जो 3 महीने का पीरियड है उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसी मैं एक चीज जानता हूँ कि आपको अगर इंडस्ट्री चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अगर जब जैसे ही लॉकडाउन चलेगा क्यों नहीं आएगा? अब इंडस्ट्री एक चीज बताओ, आपने अपने बिजली के बिल माफ कर दिए क्या? आप व्यापारी बार बार आपसे डिमांड कर रहा है कि बिजली के बिल माफ करो, आपकी राजस्थान सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दिए क्या? आप अपने ये करके तो बताइए, बिजली के बिल माफ कर दिए क्या? पानी के बिल माफ कर दिए क्या? आज हर व्यापारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिजली के बिल माफ करो, आप बिजली के बिल माफ कर दिए आपने? आपने ब्याज माफ कर दिया क्या एमएसएमई का? हमने 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया है कि 3 महीने है वरुण जी, जो 10% थी है, आपने देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी है, आपने बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। आप जीडीपी का पैसा दे सरकार को, जनता को दो, कंपनियों को जॉब नहीं जाए, जॉब के ऊपर क्यों नहीं बोलते हो कि भाई कोई जॉब नहीं चाहिए? अब आप ही होता इंडस्ट्री के लेवल पर जॉब, आपके पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, चाइना में प्रॉब्लम आ रही है, तो चाइना के इंडिया में उधर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? आप ये बताइए,
अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर इंडिया में लगती है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? आप 6 साल से सपने दिखा रहे हो फालतू के लोगों को, सड़क पे ला दिया लोगों को, रीड की हड्डी तोड़ दी भारत की इकोनॉमी की, और वहां से ₹5 ट्रिलियन डॉलर की जो सपना है तो इसका वो अच्छी तरह नहीं रह सकती। अभी की बात करो आप, 3 महीने में कोई जॉब नहीं जाएगा, जॉब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लॉकडाउन खुलने दो, हर इंडस्ट्री चालू होगी और हमने चालू कर दिया है और आने वाले टाइम के रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। अरे उन्होंने खराब कर दी, बंद कर दिया, खाली हाउडी मोदी करते हो। आपको तो दर्द होगा वरुण जी, आपको दर्द होगा जी, मोदी जी से आपको तकलीफ तो होगी, बिल्कुल सही है। सर मेरा जाने का समय हो गया, तो जाने से पहले मेरे दो सजेशन मेरे दिमाग में आ रहे थे। जैसा कि अभी हमारे भाजपा से आए हुए सर कह रहे थे कि हम ये विश्वास दिलाते कि अगले 3 महीनों में कोई जॉब नहीं जाएगी, हम भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि कोई भी कंपनी अपने काम करने वाले को ना निकाले, पर हम ये चाहते हैं कि इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, कोई एक ऐसा हॉट हेल्पलाइन लॉन्च की जाए जिसके बारे में हमें इसके बारे में सूचना दी जाए कि अगर किसी के साथ ऐसा गलत कुछ होता है तो वो वहां पे शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जनरलाइज शिकायत करने की जगह है वहां पे पहले ही बहुत सारी शिकायत है, तो क्योंकि ये एक विश्वव्यापी एक प्रॉब्लम है तो हम ये चाहते हैं कि अलग से एक हेल्प स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जहाँ पे लोग अपनी परेशानियों को लेके जा सके, ताकि और दूसरी एक ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ना कि सिर्फ जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए जो कि अभी अभी नौकरी छोड़ के शायद अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहे थे, क्योंकि एक वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत बड़ी औद्योगिक इकाइयां नहीं है लेकिन मुझ जैसे कुछ लोग जो 2 या 4 लोग मिलकर कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो ये 2 सजेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर्स दिए जाते हैं पर उनके एग्जीक्यूशन का इंट्रोस्पेक्शन करना भी बहुत जरूरी है, और हम चाहते हैं कि दोनों स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो आपस में मिलकर काम करें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि लॉकडाउन को एकदम से खोलना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं स्पेनिश फ्लू में जैसे ही लॉकडाउन खुला था एक सेकंड वेव आई थी जो और भी ज्यादा भयानक सिद्ध हुई थी। तो स्टेप वाइज इस लॉकडाउन खुलेगा, सब लोग ये बात मानते हैं और जानते हैं, बट सिर्फ हम चाहते हैं कि एक अच्छा एग्जीक्यूशन का एग्जांपल हमें देखने को मिले, जो कि भारत की अभी तक छवि बनी हुई है कि हमने रोका हुआ है कोरोना। मध्यम वर्ग की चिंताओं की फिक्र किसको? मैं वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। वरुण जी, एक दिन पहले ही पी चिदम्बरम साहब ने 2 बातें कही। एक बात ये कि जो लोग सर्विस क्लास लोग हैं खासकर प्राइवेट सेक्टर में, उनके बारे में सरकार के पास में कोई एजेंडा नहीं है। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि जो मोदी साहब की अपील थी कि आप कर्मचारी को निकालने मार उनसे पैसे मत काटिए, वो बेसर, ऐसा क्यों लग रहा है अभी? इसका तो एक ही सोल्यूशन था, जैसे CWC का अपने पिछली बार भी डिस्कस किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपने उसमें दिया है सुझाव में, MSME को सबसे ज्यादा ध्यान देने की, मिडिल क्लास को ध्यान देने की जरूरत है। अब आप बताओ, आप कोई भी कंपनी है, गर्ग साहब तो कुछ ये है, आप मुझे बताओ कंपनी में धंधा ही नहीं होगा कैसे चुकाएगा? अब इनको केंद्र सरकार को इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था कि प्रोविडेंट फंड में आप पैसा काटते हो और कोई है, आप 50% सैलरी जो है केंद्र सरकार खाते में डाल दे, जैसे किसानों के और चीजें कह रहे हैं हमने उसमें डाल दिया। अगर आप प्राइवेट जॉब 40 करोड़ जब आए लो, मैं कह दिया, एक मैंने पहले कह दिया कि आपके 40 करोड़ जॉब जा सकते हैं, 11 करोड़ ऑलरेडी चले गए लॉकडाउन 1 के सेशन में, आप उन प्राइवेट जॉब्स के 50% भी अगर सैलरी सरकार डाल देती केंद्र सरकार, तो कंपनियां उनको उठाती नहीं थी। जैसे जैसे एडजस्ट तो कर ही रहे लोग, पूरा भारत कर रहा है एडजस्टमेंट, मिडिल क्लास की तब इनका ध्यान ही नहीं है, खाली पूंजीपतियों से घिरी हुई सरकार है। मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो जनता बोल रही है, जनता देख रही है, सारे चैनल देख रहे हैं, इनका मिडिल क्लास क्या 2 महीने से सोच नहीं सकते थे क्या? 1 महीने से आयलों ने दे दिया, जब नहीं सोच सकते थे क्या? जब सर पे आगे पड़ेगी, 40 करोड़ आदमी बेरोजगार हो जाएगा, जब सोचेंगे हम 3 महीने बाद चालू कर देंगे, 1 साल बाद चालू कर देंगे? ये जो हाइपोथेटिकल जो है क्वेश्चंस हैं, किसी को आप जो पिक्चर दिखाना चाहते हो रंगीन, वो समाप्त हो गया चैप्टर। आपको किसी भी हाल में 1 मई से, किसी भी हाल में मैं कह रहा हूँ 1 मई से इस मई के अंदर आपको प्राइवेट जॉब्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी फैमिलीज बेरोजगार हो जाएंगी, उनका क्या करोगे? आपने BPL APL में तो अनाज दे दिया, मैं नहीं कह रहा केंद्र सरकार राज्य सरकार सबकी बात है,
उनको अनाज दे दिया, किसानों के 6-6 हजार डाल दिए। ये कह रहे थे जनधन योजना में 500 रुपए से कितना दिन रोटी खा सकता है आदमी। आप भुखमरी की चिंता नहीं हो रही, आज भी नारायण मूर्ति जी जैसे आदमी ने जो आइकॉन है भारत के आईटी इंडस्ट्री का, नहीं टोटल इंडस्ट्री का, उस आदमी ने कहा भुखमरी से ज्यादा लोग मर जाएंगे। आप ये देखिए अजीत द्विवेदी जी तो बहुत बड़े राइटर भी हैं, उन्होंने आज भी लिखा है कि 6 लाख लोग हर महीने भारत में उनकी मृत्यु हो जाती है। आप जो है इसको चल कोरोना के साथ साथ आप हमारी पुलिस भी तो लगी है, स्वास्थ्य कर्मी भी तो लगे, आप जो स्वस्थ लोग हैं हम जैसे लोग हैं उनको काम करने दीजिए। उसमें थोड़े बहुत गाइडलाइंस तो चल रही है फिजिकल डिस्टेंसिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं, सामाजिक बहिष्कार नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो आप करिए और आप कर दीजिए कारोबार को। वरुण जी पी चिदम्बरम साहब ने जो सवाल उठाया उसके आसपास की बात आप भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, श्रम मंत्रालय ने जो आदेश जारी किए हैं उसको लेकर के कहा है कि राज्य सरकार इसको कड़ाई से पालना कराए और राज्य सरकार इसमें विशेष ध्यान दे। राज्य सरकार के पास जब से जीएसटी लग गया, सेंट्रलाइज टैक्सेशन हो गया, रेवेन्यू सिस्टम सारा सेंट्रलाइज हो गया, बहुत कुछ मामलों में सरकारों के पास रह गया टैक्सेशन। आप मुझे बताइए सरकार, केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी हो गई। पहले अभी बात कर रहे 60-40, 80-20 सब खत्म कर दिए, इतनी योजनाएं खत्म कर दी, चलो कर दी कोई बात नहीं, समय के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में आप देश को बहाना चाह रहे हो, लेकिन आप ये तो सोचिए जब सेंट्रलाइज रेवेन्यू कलेक्शन हो गया तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप 50% 40% कुछ तो प्राइवेट जॉब्स वालों के खातों में डालोगे, मिडिल क्लास को आप बिल्कुल क्रश करके मारना चाहते हो, उससे तो देश की जो एमएसएमई 69 मैंने कहा मिलियन आपकी 7 करोड़ के ऊपर जो कंपनियां हैं उसमें अगर 34% भी बंद हो गई, बाकी कंपनियों में 50% ले ऑफ हो गया, आप तो देखो क्या हालत हो जाएगी देश की जून के बाद, उस पर कोई विचार ही नहीं है। आप अगर दूरदर्शिता, आप कहते हो मोदी जी में इतना दिमाग है, क्यों है युग, आप महिमा मंडन तो खूब करना चाहते हो, करो, आपका नेता है पूरा, अरे वरुण जी पूरा वर्ड करता है, पूरा वर्ड तारीफ करता है, अरे वरुण जी पूरा वर्ड तारीफ करता है, केवल आप लोगों की जो मानसिकता है ना, आप लोगों की जो मानसिकता है ना वो खराब हो चुकी है। पूरा वर्ड मोदी जी की तारीफ करता है, WHO तारीफ कर रहा है, मानते आप लोग विपक्ष में हो लेकिन विपक्ष में सही मुद्दे उठाओ, देश की प्रगति के लिए कोई मुद्दा उठाओ तो मानते हैं आप, देश की प्रगति का तो कोई मुद्दा नहीं उठाते आपके आपके गलत किया है, राजस्थान के अंदर हुआ है। गर्ग साहब मौसम भी बहुत कूल है जयपुर में, आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, मैं पंकज के पास में जाना चाहूंगा अभी। पंकज आपके पास आना चाह रहा हूँ, खासकर मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, किसी तरह की कोई चिंता है उन लोगों की? जी, अगर मैं बात करना चाहूँ मिडिल क्लास फैमिलीज की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है उन्हें, ऑलमोस्ट जो चीजें होती है मिडिल क्लास फैमिलीज की वो ईएमआईज लोन्स पे चलती हैं, राइट? तो ठीक है, गवर्नमेंट ने मॉनिटोरियम दिया, बट मॉनिटोरियम 3 मंथ्स का देने के बाद आप पर मंथ इंटरेस्ट तो उतना ही ले रहे हैं। अगर 20,000 किसी की इंस्टॉलमेंट थी तो 10,000 उस पर इंटरेस्ट, अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट जाता है, 3 महीने का 30,000 इंटरेस्ट प्लस जो आपका एक्सटेंड हुआ है, जो भी अमाउंट आपका एक्सटेंड हुआ है, टर्म आपका एक्सटेंड हुआ है उस पे इंटरेस्ट, वो सारा आपको 4th मंथ में पे करना है। जब मिडिल क्लास के पास सैलरी ही नहीं आ रही है, उसके पे कट्स हो रहे हैं, तो वो अपना घर चलाए या फिर वो इनके गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पे करे? इन गवर्नमेंट की कमाई तो ये बंद नहीं कर रहे हैं, पर इन्होंने मिडिल क्लास की कमाई बंद कर दी है। ये कहीं से नहीं सोच रहे किसी के बारे में, ये परफेक्टली सबसे पहले इनका मेजर होना चाहिए था कि कॉर्पोरेट रेट हमने स्लैश किए थे, तो जब ये एपिडेमिक आया उस टाइम हाथों हाथ इनको एक रिलीफ देना चाहिए था कॉर्पोरेट्स को इनके टैक्स कट में, वहां वो अपने प्रॉफिट्स बचाते कॉर्पोरेट्स और जॉब्स वहीं से ही हो जाती, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता किसी को जॉब कट का, पे कट का। तो मेरा ये पॉइंट है, गवर्नमेंट ने इस पर कोई मेजर नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया जी, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए अभी सबसे पहले इन्हें। हाँ जी पंकज जी, सबसे पहले इन्हें कॉर्पोरेट रेट जो टैक्सेस हैं उनपे इनको ध्यान देना चाहिए, देन
मॉनिटोरियम ठीक है आपने दिया, देन जो बैंक्स इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके ईएमआईस पे, उन पे इनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और जो अल्टीमेटली यहाँ से जॉब्स पे इंपैक्ट आ जाएगा, फिर देन कॉर्पोरेट्स इतना स्पीडली फायर नहीं करेंगे लोगों को, पे कट्स नहीं आएंगे, तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये लॉकडाउन टाइम है, महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, निश्चित रूप से हर चीज इससे प्रभावित होगी, आपकी दिनचर्या इससे हो रही है, आपका रहन सहन खान पान आपकी लाइफ पूरी तरह से इससे प्रभावित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की भी है, बेकाम आदमी की भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग कितने मानसिक रूप से तैयार हैं कि इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए, तो इस तरह की कुछ चर्चाएं होती हैं फ्रेंड्स में फैमिलीज में कि हम लोग कितने तैयार हैं इन सबसे निपटने के लिए। अभी सब होपलेस हैं, अगर मैं ट्रूथफुल बात करूं यहाँ पे तो सब होपलेस हैं। जहां पे भी मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, किसी की जॉब होल्ड पे चली गई है, किसी के पे कट्स हो गए, किसी की तो जॉब ही चली गई है, उन लोगों के पास नए कॉल्स नहीं आ रहे हैं, नए जॉब ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मेजर्स उनको नहीं मिल रहे हैं, तो सब जगह डिप्रेशन है। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे फादर भी जॉबलेस हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो मेरी फैमिली पे यही मुझे ही देखने को मिल रहा है। मेडिकल कंडीशंस की मैं बात करूं तो मेरी मम्मी को रेयर डिजीज है एक सोलाइसिस, देन तो उनके डॉक्टर्स अब विजिट नहीं कर रहे हैं, वो वहां नहीं विजिट कर रहे हैं पेशेंट्स को, मम्मी का फ्रीक्वेंट विजिट कराना पड़ता है, वहां कोई रिलीफ मेजर्स नहीं है, डॉक्टर्स अपनी मनमर्जी कर लेते हैं कभी कभी, तो इन सब में कुछ समझ नहीं आ रहा, सब जगह डिप्रेशन होपलेस यही सब चल रहा है। जी सुरेश जी, एक ये एक परिवार की कहानी है, ये पीड़ा कहूंगा, कहानी नहीं कहूंगा, पीड़ा कहूंगा इसे, ऐसे करोड़ों परिवार है, महज हम ये नहीं कर रहे कि आपके प्रयासों में कोई कमी कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं दोनों ही सरकारें जो मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, उनका भरोसा टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है, हमें उस भरोसे को बनाना है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, पंकज आऊंगा आपके पास में, मैं एक बार सुरेश जी के पास में और वरुण जी के पास जाना चाहूंगा। हाँ योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मध्यम वर्ग के परिवार के लिए सीतारमन जी पैकेज लाने वाली है, आप देखिए कि कुछ दिनों बाद के अंदर पैकेज आने वाला है, जो आप कह रहे हैं ना कि ईएमआई का 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया है, ये रिलैक्सेशन हो सकता है कि बढ़ जाए या इंटरेस्ट के अंदर रिबेट दी जाए, क्योंकि जो भी अगर आपको इंटरेस्ट में रिबेट दे सकते हैं, या अगर आपका लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो आपको 3 महीने की जगह 6 महीने का आपको इसके अंदर ईएमआई को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन की बात चल रही है कि भाई हम मध्यम वर्ग के परिवार जो भी जिन्होंने भी बैंकों से लोन लिया है उनको इंटरेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाए, इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। देखो पहले पैकेज आया था 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया था, अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट पैकेज जो भी नेक्स्ट जो पैकेज आएगा उसके अंदर मध्यम वर्गी को जो भी रिलीफ देनी है वो रिलीफ दी जाएगी, और मोदी जी का हर वर्ग के प्रति फोकस है, गरीब आदमी किसान आदमी युवा मध्यम वर्ग हर आदमी के ऊपर उनका फोकस है मध्यम वर्ग के लिए। सुरेश जी मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, मैं ये कह रहा हूं कि पंकज जैसे परिवार वाले करोड़ों परिवार हैं, आप कर रहे होंगे प्रयासों के, मैं बिल्कुल इनको खारिज नहीं कर रहा, मैं लेकिन इतनी सी बात कह रहा हूं कि अभी भी 40 दिन हम कंप्लीट करने वाले हैं लॉकडाउन के 3 तारीख को, लेकिन हम भरोसा नहीं दिला पा रहे उन मध्यम वर्गीय उन परिवारों को जो जॉब्स पे डिपेंड करते हैं उनकी लाइफ, उन लोगों का भरोसा टूट रहा है, भरोसा वो भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप तो कह रहे हैं कि सब चीजें आएंगी, लेकिन 40 दिन हम कंप्लीट करने वाले हैं और अभी तक उनका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं हम। नहीं नहीं इसका ऐसा नहीं है, हर आदमी का भरोसा मोदी जी पूरे हर आदमी के ऊपर भरोसा करेंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे, और आप जो 40 दिन के अंदर है, देखो सबसे पहले आदमी को जीवन बचाना जरूरी था, मोदी जी का सबसे पहले क्या था कि पहले जान बचाना जरूरी है, तो हमने पहले लॉकडाउन करके पहले जीवन बचाने की कोशिश की है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सर सब तारीफ कर रहे हैं इसमें सहयोग दे रहे हैं मोदी जी के। बिल्कुल मैं उसी चीज में आ रहा हूँ, तो अब आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल कोई खारिज नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में फाइनेंशियल मेजर्स जो है वो सेफ्टी मेजर्स उठाएंगे, मध्यम वर्ग को जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा किया जाएगा, उनके इंटरेस्ट के ऊपर रिबेट देनी है रिबेट दी जाएगी, उनको लॉकडाउन में जो भी परेशानी हुई है उस पर अगर सब्सिडी देने की जरूरत पड़ेगी तो सब्सिडी भी दी जाएगी। आपके पास आऊंगा मैं, पहले पंकज कुछ कह रहे हैं बीच में, पंकज कुछ कहना चाहते हैं। जी सर मैं भरोसे पे एक बात बोलना चाहूंगा,
भरोसा कैसे टूटता है जब पीएम का सब वेट करते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे जो उनकी स्पीच आती है उसका ईगरली वेट करते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, और उस स्पीच में आपको क्या सुनने को मिलता है कि 9 बजे 9 मिनट के लिए हम सब लाइटें जलाएंगे, हम सब दिया जलाएंगे, ठीक है, ये मतलब आपने या तो जनता को एक सेकंड सर, या तो आपने जनता को गवार समझ रखा है, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ठीक है वो आपने यूनिटी के लिए किया, वो आपने होप दिलाने के लिए कहा, पर उसके साथ हमको ये भी सुनना था कि आप लोगों के लिए मेडिसिन का क्या हुआ जो हम बना रहे हैं, रिसर्च का क्या हुआ, दवाई का क्या हुआ, हमारा देश कर क्या रहा है, इतना सारा हम पैसा रिसर्च में लगाते हैं, चीजों में लगाते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट कर क्या रहे हैं, दवाई अब तक क्यों नहीं बन रही, ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 9 बजे आ जाओ, 9 मिनट के लिए आ जाओ, आप दिया जला दो, इंडिया में रिसर्च चल रही है, वैक्सीन आने वाले टाइम के अंदर इंडिया भी उस पर वैक्सीन के ऊपर वर्क कर रहा है, जिस तरह से पूरा वर्ल्ड वैक्सीन के ऊपर वर्क कर रहा है, इंडिया भी वैक्सीन बनाने में वर्क कर रहा है, कि हर आदमी देखो व्यक्ति के ऊपर जज्बा लाना भी बहुत जरूरी होता है, जज्बा लाना बहुत जरूरी होता है, आदमी को एफिशिएंसी बढ़ाना भी जरूरी होता है, तो मोदी जी ने अगर 9 बज के 9 मिनट के लिए अगर लाल लाइट जलाने के लिए कहा है तो एक जज्बा था, अगर आपने ताली बजाने के लिए कहा है, अगर कोरोना वॉरियर्स के लिए अगर ताली बजाने के लिए बोला है, गज्जी बजाने के लिए बोला है, तो ये कोरोना वॉरियर के लिए एक है। आप बताओ एक बार वरुण जी, अरे भाई कोरोना वॉरियर्स का डीए काट लिया आपने, क्या ताली बजवाओगे डीए काट लिया ताली बजा बजा करके, मेरी बात सुनो, ऐसा है कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा आने वाले टाइम के अंदर, हो गया आप क्या नहीं होगा, वरुण जी आप अपने स्टेट को संभालो, आपके राम गेट को संभालो, आपके राम गेटूर खिला रहे आप राजस्थान की जनता के साथ क्या कर रहे हो वो देखा क्या आपने, सिर्फ खजूर खिलाने में लग रहे हो, रमजान के महीने में आपने टेस्टिंग रोक दी है, हिंदू मुस्लिम में नहीं, मैं आप बता रहा हूँ, आपने आपने राम दीवार में टेस्टिंग रोक दिया, आप राजस्थान के अंदर हर आदमी तकलीफ हो रहा है, हर आदमी फायदा क्यों है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार जो आप ओनली वर्क विशेष के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है आप लोगों का, आप थोड़ी बहुत शर्म करो, एक बात बताइए मुझे सुरेश जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि सिर्फ वर्ग विशेष पे ध्यान देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी साहब ने अशोक गहलोत जी की तारीफ की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी अभी जो टूर करके गई है वो राजस्थान के प्रयासों की सराहना कर रही है, आपको क्यों लग रहा फिर ऐसा, आप राजस्थान के अंदर हालत देखिए, मोदी जी देखो, मोदी जी ने जो अगर कुछ अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जयपुर के अंदर स्थिति देखिए, आज रामगंज के अंदर स्थिति देखिए, रामगंज के अंदर में आपने कर्फ्यू पास किसको जारी कर रखे हैं, आज वहां के जो भी हिंदू परिवार है वो इतना पीड़ित है, उनके पास राशन सामग्री नहीं पहुंची है, वरुण जी मेरी बात सुनिए, पंकज शर्मा जैसे करोड़ों लोग हैं जो ताल्लुक रखते हैं, हमारे लाखों लोग दर्शक स्थल से जुड़े हुए होंगे, उनको क्या मतलब रामगंज से भीलवाड़ा मॉडल से, वो अपनी जॉब सबने परिवार की चिंता है, होना चाहिए हमदर्दी सबकी है कि भीलवाड़ा में ठीक हुए रामगंज में सब ठीक होने चाहिए, लेकिन रामगंज ये सब करके इनको कोई तसल्ली नहीं मिलेगी इससे, हमारे पॉलिटिकल बयानबाजी हो सकती है लेकिन उन परिवारों को इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको ये स्टेटमेंट्स इस कायदे में दिए जाएं, वह लोग ये चाहते हैं कि हमारी चिंता क्या, हम तो वो सुनना चाहते हैं, मैं वरुण जी आपके पास में आना चाह रहा हूँ, योगेंद्र जी हम तो करते नहीं कभी हिंदू मुस्लिम यही बात इंटरप्ट करने लग जाते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, वापस उसी चीज पे आ जाते हैं, खैर वो छोड़ो, अब इनको तो सिखाया ही जाता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आप पंकज जी ने कितनी बढ़िया बातें कही है, ये हर घर की कहानी हो रही है मिडिल क्लास की, आपके मेरे घर की भी स्थिति देख लो, इस पे किसी को चिंता नहीं है, इनको कोई चिंता नहीं, खाली प्रोपोगंडिज्म के अलावा प्रोपोगंडा करो, मैं कह रहा हूँ आप करो प्रोपोगंडा, आप सत्ता में बैठे हो, आप काम में लो, मजा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिडिल क्लास की कुछ ध्यान तो दो, तो आपको मैं बताऊंगा, अभी राहुल गांधी के नाम से फिर इनके लाल मिर्ची चढ़ जाएगी, राहुल गांधी ने फरवरी में कह दिया था इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है,
पर नहीं कोई ध्यान। अगर भाई उस आदमी को आप नहीं कह रहे हो बुद्धिमान है, लेकिन वो ऑर्डिनरी आदमी भी अगर मानते हो तो वो कह रहे हैं फेब्रुअरी से इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, आईएलओ कह रहा है इस सब संस्थाओं को इन्होंने दरकिनार कर दिया, हमें सबसे ज्यादा बुद्धि है। राहुल गांधी जी ने लॉकडाउन का विरोध किया है, राहुल गांधी जी ने लॉकडाउन का विरोध किया है और राजस्थान सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया है, आपके आपके राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन सबसे पहले लिया है, राहुल गांधी जी ने तो लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, आपकी आपकी पार्टी भी है, राहुल गांधी जी को ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, उनको तो पता ही नहीं रहता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये देखो हम 68,000 करोड़ भगोरों के राहुल गांधी जी को नहीं करते थे, राइट ऑफ बोलना चाहता है, आप तो खाली बीच में बोलना है और मोदी मोदी करना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हो आप लोग, आप देश की आप जनता की पीड़ा को बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, आप घर घर की गाली नहीं समझ रहे, मोदी मोदी कर रहा है पूरा ट्विटर से तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी के अंदर पूरा वर्ल्ड मोदी जी की तारीफ कर रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान को जल्दी कंट्रोल किया है, पूरे हिंदुस्तान को उस तरह से कंट्रोल किया है। कंट्रोवर्सी आप लोग कर सकते हैं आपस में, कंट्रोवर्सी आप लोग कर सकते हैं, हम तो अभी भी तारीफ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जनहित में काम कर रही है, नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लॉकडाउन आपने लगाया, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, लॉकडाउन लगाया, मोदी जी ने कहा, मोदी जी के साथ सब लोग खड़े रहे, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे, उनका इसमें कोई हित नहीं है, वो देश की जनता उनका सबसे बड़ा हित है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि एक विजन और नजरिया जो सुनना चाहते हैं मिडिल क्लास के लोग, खासकर वो जॉब करने वाले लोग, देखिए उनकी पोजिशन बताता हूं मैं आपको, ना वो किसी से भीख मांग सकते हैं, उनकी स्थितियों को देख करके खाने के पैकेट वाला खाना नहीं देने आ सकता, कि चलिए वो देखता है कि अच्छा ये तो ठीक है, गाड़ी नीचे खड़ी है, शानदार सा बंगला है, लेकिन उसके अंदर से स्थितियां देखो क्या है, अगर जॉब चली जाती है वो ना तो किसी खाना मांग सकता है, ये एक्चुअल बात बता रहा हूं आपको मैं, ना ये कह सकता कोई उसे कि चलिए मैं इसको मैं पड़ोसी को खाना दे देगा, वो देखेगा कि आप ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंकज, कुछ ऐसे हालात है देश के कुछ परिवारों के? मैं हालात तो अब सबके ऐसे ही हैं, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इन सबके चलते हुए गवर्नमेंट अपना स्लाइटली कितना बड़ा फायदा उठा रही है, आपको पता है पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ा दी है उन्होंने, क्या किसी को ये पता है? क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, पर ये गवर्नमेंट अपने पैसे खाने में लगी हुई है, पूरी दुनिया को लूटने में लगी हुई है। आप पंकज जी, आप ये आरोप लगा रहे हो आप पंकज जी आप गलत आरोप लगा रहे हो पैसे खाने में, प्रधानमंत्री के ऊपर पे किसी तरीके से आप आरोप नहीं लगा सकते पैसे खाने का, आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं, आप अपने इस आरोप गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आप भ्रष्टाचार का आरोप गलत लगा रहे हैं आप। चलिए, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, उसमें दो बातें, देखिए पैसा वो ऑन रिकॉर्ड होता है, जो पैसा अगर एक रुपए भी फ्यूल के कंजम्पशन कितना हो रहा है सबको मालूम है, उसके अलावा जो आपके सब्सिडी क्या मिलती है फ्यूल पे वो सबको मालूम है, और अगर वैट बढ़ाते हैं स्टेट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अपने पार्ट पे जो टैक्स लगाती है ऑन रिकॉर्ड होता है, उसमें ये कहीं कोई हिडन एजेंडा नहीं है सरकारों का। उनके सामने समस्या ये है कि इस महामारी में पैसे चाहिए, पैसे कहां से लेके आएंगे, क्योंकि आज में 6,000 करोड़ तो एक वीक में आया था, 10% रह गया है, 17% है टोटल आज इंडिया में कंजम्पशन जो था, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 20 अप्रैल तक की 17% कंजम्पशन था फ्यूल का, तो सरकारों के पास रिसोर्सेज अब लिमिटेड है, पैसा उन्हीं में से निकालने, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि इनको उन परिवारों का ख्याल करना चाहिए जो भरोसा जिनका टूट रहा है, उन्हें भरोसा दिलाने की जरूरत है। चलिए, समय का मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को, मैं वरुण जी से और सुरेश जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सरकार रूलिंग पार्टी के हमारे अतिथि हैं, आप उन तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं, एक किसी भी एजेंडे के जरिए पहुंचाएं, निश्चित रूप से आते हैं मानिए कि उन परिवारों के सामने बड़ा संकट है जो जॉब करते हैं और खासकर प्राइवेट सेक्टर में और मिडिल क्लास में रहते हैं, उनके बारे में आप चिंता करिए, निश्चित रूप से उनकी परेशानी दूर हो पाएगी। फिलहाल उनके ये कह सकते हैं कि 40 दिन पूरे होने वाले, लेकिन उनका भरोसा टूटता जा रहा है, उसे टूटने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।